नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काले धन पर लगाम लगाने के लिए पीएम मोदी की एक और पहल। चीन में G20 के सदस्य देशों से बैंकिंग गोपनीयता खत्म करने की अपील की। गृह मंत्री राजनाथ की अगुवाई वाली ऑल पार्टी डेलीगेशन आज जम्मू के दौरे पर। कश्मीरी पंडितों और कारोबारियों से हालात पर हो रही है चर्चा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का दावा, पार्टी के अंदर नहीं है कोई मतभेद। कौमी एकता दल के जल्द ही पार्टी में विलय का किया दावा। एनएसजी में भारत को शामिल करने का मुद्दा फिर उठा। जापान के बयान से बैकफुट पर आया चीन। जापान का दावा, भारत की सदस्यता से परमाणु प्रसार को मिलेगा बढ़ावा। और देश भर में आज पधारे गणपति बप्पा। मंदिरों और पंडालों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। आज ही देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस भी। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक में काले धन पर लगाम कसने के लिए सदस्य देशों से मदद की अपील की है। पीएम ने सदस्य देशों से कहा कि उन्हें अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता खत्म करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। पीएम ने सोमवार को साफ किया कि आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री टेरेसा मे से मुलाकात की। ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। उन्होंने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के फैसले के देखते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने यहाँ दुनिया के सबसे बड़े एकल बाजार यानी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग हो जाने के बाद अवसरों के निर्माण पर चर्चा की। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के प्रयासों को सोल की बैठक में चीन ने सबसे गहरा धक्का दिया। पड़ोसी के अडियल रुख के कारण ही हिंदुस्तान एनएसजी देशों में शामिल नहीं हो सका। वही अब जापान ने ये कहकर चीन को बड़ा झटका दिया है कि भारत की सदस्यता और एनएसजी में मौजूदगी से परमाणु प्रसार को बढ़ावा में मदद मिलेगी। यूपी सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में अंदरूनी घमासान की खबरों को खंडन किया है। शिवपाल ने कहा कि उन्होंने कभी सपा से इस्तीफा की बात नहीं की। शिवपाल ने कहा कि कौमी एकता दल का जल्द ही समाजवादी पार्टी में विलय होगा। इस और आखिरी फैसला नेताजी ही लेंगे। शिवपाल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि यूपी चुनाव में उनकी पार्टी ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देगी जो आपराधिक चरित्र का है। उन्होंने कहा सभी से एफिडेविट लिया जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को ही टिकट मिलेगा। किसी ऐसे को टिकट नहीं देंगे जो जेल में है। दिल्ली के बिजवासन से विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं पर बड़े आरोप लगाए हैं। विधायक ने लेटर में पंजाब में टिकट देने के लिए यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। इन नेताओं में दुर्गेश पाठक और संजय सिंह भी शामिल है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद कितवाज उस वक्त सेक्स स्कैंडल में फंस गए जब एक अखबार ने दावा किया कि उन्होंने पुरुष यौन कर्मियों की सेवा ली थी। समाचार पत्र संडे मिरर के मुताबिक साल 1987 से लिसिस्टर से लेबर पार्टी के सांसद चुने जा रहे वाज ने पिछले महीने की एक शाम इन पुरुष यौन कर्मियों को लंदन स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया था और वाज ने उनके साथ समय बिताने के एवज में भुगतान किया। देश भर में आज से 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव शुरू हो गया है। पंडाल में गणपति बप्पा पधार चुके हैं। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में विशेष उत्साह है। देर रात तक लोग अपने घरों और पंडाल में स्थापित करने के लिए गणेश प्रतिमाओं को ले जाते दिखे। इस बार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। ओलंपिक गोल्ड मेडल चैंपियन अभिनव बिंद्रा ने आधिकारिक तौर पर निशानेबाजी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बिंद्रा अपनी भविष्य की योजनाओं का भी खुलासा किया।
अब उनका लक्ष्य खेल विज्ञान से संबंधित कारोबार करना है जिसमें फिटनेस और चिकित्सा भी शामिल है। भारत के एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा ने संन्यास की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा, अब आगे बढ़ने और युवा पीढ़ी को जिम्मेदार सौंपने का समय है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।